क्या मिला, ये है अश्वगंधा 35 लौटी का एक डब्बा। यहाँ के लोग खाते हैं भाई अश्वगंधा फॉर एनर्जी, राइट। मेरा आम मतलब मैंगो, और मैंगो है भाई 7 लौटी का 1 पीस 150 इंडियन रुपीज़। पता नहीं है केला ऐसा हरा क्यों है, पर जो है ये भाई अलग खीरा भाई, और खीरा है 14 लौटी का 1 किलोग्राम, तो अराउंड 240 इंडियन रुपीज़ भाई। और टमाटर है भाई 14 लौटी का 1 किलोग्राम। अगर यहाँ पोलैंड में अगर आप कुछ भी ग्रोसरीज लेते हो तो आपको खुद से स्टीकर लगाना पड़ता है, यहाँ से मशीन में चूज़ करो क्या लियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी टाइम हो रहा है भाई 7:29। हम जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने, बिकॉज ग्रोसरी सारी खत्म हो गई थी। और मेरे से बहुत लोग बोल रहे थे उत्कर्ष प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट द ग्रोसरी एक्सपेंसेस हेयर इन पोलैंड आफ्टर द वॉर, और जो भी इन्फ्लेशन वगैरह चल रही है। अभी हम चलेंगे ग्रोसरी शॉपिंग, फिर आपको दिखाएंगे तो एक वीक का कितना आता है ग्रोसरी एक्सपेंसेस। तो बने रही है भाई ब्लॉग में, काफी मजेदार होने वाला है। एंड बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो माय नेम इज उत्कर्ष, आई लिव इन पोलैंड एंड आई मेक व्लॉग्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना और थोड़ा प्यार दिखाना भाई को, जल्दी से 25K कराते हैं। यू वांट टू बाय सम ग्रोसरीज? तो भाई आज हेल्प करेंगी मेरी शॉपिंग में, बिकॉज शी नोज व्हाट टू बाय, और मेरे को उतना आइडिया नहीं भाई। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आ गए हैं भाई कॉफलैंड, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस जर्मन सुपर स्टोर, आई मीन सुपर मार्केट हेयर इन पोलैंड। पहले हम ले रहे हैं कॉफी भाई, क्योंकि बहुत ही नींद आ रही है, तो एक कॉफी लेते हैं दो जो, और हाँ कार्ड से पेमेंट करना है। भाई पेमेंट हो गया, इट्स गुड राइट? आई मीन फर्स्ट यू ड्रिंक कॉफी, फ्रेश अप, एंड देन गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। तो अच्छा सीन है भाई यहाँ पोलैंड में। कॉफ़ी आ गई भाई हमारी, सही है यार। एंड ऑल्सो यू कैन टेक द कवर फ्रॉम हियर। कैसी कॉफ़ी है, अच्छी है? चार क्वालिटी की ना, इससे अच्छी मैंने कॉफ़ी आज तक नहीं देखी है भाई। मतलब इतनी चीप और इतना बड़ा कप, राइट, इट्स अ बिग, अच्छा है भाई। चीयर्स। तो गाइस पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर चलेंगे भाई ग्रोसरी शॉपिंग करने, बिकॉज थोड़ी नींद आ रही थी। मैं बोला यार कॉफ़ी ठंड भी लग रही है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है अभी? वो तो टेम्परेचर आउटसाइड। तो गाइस अभी 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कॉफ़ी पी रहे हैं फिर चलेंगे ग्रोसरी शॉप। तो गाइस आपको बताता हूँ एक क्विक फैक्ट अबाउट कॉफलैंड, अभी सुपर मार्केट। कॉफलैंड इज ओन बाय वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन जर्मनी। तो भाई बंदा मतलब फुल सब्जी बेच के ना मिलेनियर हो गया, बिलेनियर है भाई, बिलेनियर वाले हैं बनाना से भाई। बिकॉज मैं सुबह सुबह आजकल केला जरूर खाता हूँ, केला और दूध और कॉफ़ी, तो ये मेरा रेगुलर है। पता नहीं है केला ऐसा हरा क्यों है, पर जो है ये भाई कुछ दिनों में सही हो जाएगा ना, आई थिंक इन फ्यू डेज इट विल बी येलो। 7 फ्लॉटी फॉर 1 किलोग्राम, तो भाई 140 रुपये किलो है भाई केला, ठीक है। एंड आई एम नॉट बाइंग एप्पल, एप्पल कितने का है? 3.49, मतलब 60 रुपये किलो सेव है भाई। और गाइस यहाँ पोलैंड में अगर आप कुछ भी ग्रोसरीज लेते हो तो आपको खुद से स्टीकर लगाना पड़ता है, यहाँ से मशीन में चूज़ करो क्या लियो, और मशीन उसका वेट नाप लेगा अपने आप। सो दिस इज 1.6 किलोग्राम, और आप ऐसे चूज़ करते हो। दिस इज नॉर्मल बनाना और चिकिटा बनाना, नॉर्मल ऐसे स्टीकर निकला और लगा दो भाई। तो इससे होता है ना, आप जब बिलिंग काउंटर पे जाओगे तो उनको पता रहेगा कि कितने का है ये। हाउ मच? लाइक ऑलमोस्ट 12 फ्लोटी ऑलमोस्ट। अबे ठीक है भाई, 1.6 किलोग्राम, 12 फ्लोटी क्या ही है। सो गाइस मेरे एसडी कार्ड में कुछ एरर आ गया था, तो मुझे पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ और कितना नहीं। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या लिया हूँ अभी तक। अभी तक लिया हूँ ये आलू है भाई, ये आलू, ये सैलेड, टमाटर, बस। खीरा भाई, और खीरा है 14 फ्लोटी का 1 किलोग्राम, तो अराउंड 240 इंडियन रुपीज़ भाई। एंड गाइस दिस इज शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च है भाई 18 फ्लोटी का, तो दिस रियली एक्सपेंसिव भाई, थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पोलैंड। और टमाटर है भाई 14 फ्लोटी का 1 किलोग्राम, तो टमाटर भी थोड़ा महंगा है भाई यहाँ पोलैंड में। मेरा सेब और सेब है भाई 4 फ्लोटी फॉर 1 किलोग्राम, अराउंड 80 इंडियन रुपीज़। मैं क्या लेने वाला था मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी इस तरफ। मेरा आम मतलब मैंगो, और मैंगो है भाई 7 फ्लोटी का 1 पीस, विच इज़ लाइक अराउंड 150 इंडियन रुपीज़। और ये भाई अंगूर, अंगूर है 9 फ्लोटी का 1 किलोग्राम, तो अराउंड 180 इंडियन रुपीज़ का 1 किलो अंगूर है भाई। तो गाइस इन्फ्लेशन इज रियल, काफ़ी महंगी हो गई हैं चीज़ें पोलैंड में, स्पेशली ग्रोसरीज और फूड आइटम्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है भाई। क्या मिला, ये है अश्वगंधा 35 लौटी का एक डब्बा। यहाँ के लोग खाते हैं भाई अश्वगंधा फॉर एनर्जी, राइट। तो गाइस यहाँ मिल रहा है रिफाइंड ऑयल 9 लौटी का भाई, वाह। तो गाइस मुझे आज भी याद है वो दिन जब रिफाइंड ऑयल मिलता था 3 लौटी 4 लौटी का, और आज वही ऑयल मिल रहा है 10 लौटी का भाई, मतलब 200 रुपये किलो। तो इस तरफ है स्पेगेटी, दिस इज 6 लौटी,
हम ले रहे हैं भाई, एक मतलब ब्राउन्स पैकेट ले रहे हैं हेल्दी वाला। तो कहते हैं यहाँ मिल रही है भाई बासमती राइस फॉर 7 zloty का एक पैक। ये पहले 3-4 zloty का आता था, अब 7 हो गया है। तो अगर आपको थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करना है तो यू कैन टेक दिस काशा विच इज़ द सेम प्राइस लाइक राइस पर थोड़ा हेल्दी होता है भाई, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेंटिल्स, ये तो भाई चने की दाल है। हाँ ले लो, ले लो, ले लो, लाओ। नो व्हाट दिस इज। तो गाइस यहाँ पे आपको सारे तरह का दाल मिल जाएगा भाई, चने की दाल, चरवरना, ये पता नहीं क्या क्या है, सारा दाल मिल जाएगा आपको। फिर वाइट बीन्स, राजमा वगैरह, चने की दाल, और सब 4 zloty का है भाई। बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया भाई सब कुछ। डोंट थिंक एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव ना। हाँ पता नहीं भाई क्या हो गया पोरेट में। इनमें सारा बिल आएगा ना तो आपको बताएंगे कितना एक वीक का ग्रोसरी का कितना प्राइस है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आप स्पेंड कर सकते हो फॉर फूड। सारा मॉर्निंग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चीरो, चौकोस, जो भी बोलते हैं फिटनेस वाला, सब कुछ मिल जाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग समथिंग यू नो फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ले लेते हैं भाई, सही रहेगा। और यहाँ पे सारा आपको आटा वगैरह मिल जाएगा भाई, आटा चावल। आटा चावल की कीमत अब आ गई है समझ में। मैं जब इंडिया में था तो पापा बोलते थे कि जब बेटा अपने कमाओगे ना तो आटा दाल की कीमत पता चल जाएगी, और अब पता चल गई भाई पोलैंड आके। सेक्शन में सारा कॉफ़ी और टी है भाई। अगर पोलैंड आ रहे हो तो ये कभी मैं ट्राई करना, ब्लैक रोस्ट, इतनी गंदी कॉफ़ी है ना नेस्कैफे की, मतलब मेरे तो भाई मेरे से नहीं पिया गया, आई एम कॉफ़ी लवर, बट मेरे को लगा भाई इज़ टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी भी इतना सारा है कि यू बी कन्फ्यूज कि कौन सा लें। और कॉफ़ी का प्राइस है भाई अराउंड 10 or 15 zloty के आसपास। चलो भाई चलो चलो ग्रोसरी शॉपिंग करो विथ उत्कर्ष। सेक्शन में है सारा टी। मैं उतना चाय नहीं पीता भाई, मैं इंडिया में चाय पीता था, मैं इंडिया में उतना कॉफ़ी नहीं पीता था, पर यहाँ पे पोलैंड में आके ना कॉफ़ी पीने लगा हूँ, चाय छोड़ दिया है। चाय तभी पीता हूँ जब सामी बनाता है। अगर यहाँ पर आपको सारा तोर्तिला मिल जाएगा, और इस तरफ ब्रेड है। तो तोर्तिला इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आपको खाना बनाने में आलस आता है तो आप एक तोर्तिला लो, एक दो अंडा लो, पनीर लो, उसकी भुज्जी बनाओ और तोर्तिला के साथ खा जाओ, तो एकदम इंडिया वाली फीलिंग आती है भाई। तो ब्रेड का प्राइस है अराउंड 3.89 zloty, तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है भाई, ब्रेड वगैरह अभी भी सस्ता है पोलैंड में। तो ये आ गए सारे फ्रोजन सेक्शन में, यहाँ पे आपको फिश से लेकर चिकन से लेकर पोर्क वगैरह जो भी आपको खाना है, नगेट्स वगैरह सब कुछ मिलता है भाई। सो आई थिंक आई विल टेक चिकन। ये तो केक वगैरह है भाई, केक नहीं खाना भाई, केक मत खाना, काफ़ी शुगर होता है इसमें। और गाइस बेसिकली ये सब फ्रोजन वेजिटेबल है जो कि अराउंड 6-7 zloty, 9 zloty का है भाई, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है भाई। ये सब नहीं चाहिए भाई, दिस इज डक। भाई से मिलते हैं चिकन भाई, 12 zloty का चिकन है भाई। हमारे पीछे भाई मीट का सेक्शन है, यहाँ पे सारे तरह के मीट मिलता है भाई। तो गाइस ये भाई का जो हाल हुआ है, थोड़ा वेट वगैरह बढ़ गया है भाई, ये सब यही से खा के हुआ है। आई वॉज लिटरली सर्वाइविंग ऑन दिस स्नैक्स, चिप्स वगैरह पे, अभी सब छोड़ दिया भाई खाना, अब नहीं खाना ये सब। फिर ये भाभी जी ने घूम फिर के इसी सेक्शन में ले जाती हैं खाली चिप्स वगैरह के, और चिप्स वगैरह यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव नहीं है। मे बी आई कैन टेक दिस वन। अरे भाई अभी बोला था नहीं खाना, चिप्स वगैरह है अराउंड 4 zloty, 5 zloty। नहीं भाई ये चिप्स वगैरह खाना ही नहीं है भाई, गलती हो गई, छू के भी गलती कर दिया मैंने। गो दिस सेक्शन, लेट्स गो गाइस। मतलब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि हाउ आई मेक चिकन, तो शी सेड आई डोंट नो, आई एम वेजिटेरियन। ये क्या बात हुई यार, अगर आप खाते नहीं हो तो बना तो सकती हो ना मेरे लिए, नो। तो वैसे पूरा सेक्शन है भाई फिश, सारा चीज़ है भाई यहाँ पे, तो चीज़ वगैरह पनीर की जरा, पनीर 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 शुड बी हेयर। कैन यू चेक इफ दे हैव आयरन, आई थिंक दे हैड यू रियली, आई कांट फाइंड पनीर। तो गाइस फाइनली भाभी जी को पनीर मिल गया, कैप्री 1-2 व्हेन इज एक्सपायरी डेट, 8 March। हाँ 2 से है भाई। अंडे का सेक्शन, तो अंडा लेते हैं भाई, आई थिंक दिस ब्रोकन, ले लो भाई ले लो, सही है, वाइज ब्रोकन। तो भाई यहाँ पे भी पोलैंड में भी अंडा थोड़ा देख के लेना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा सा फूटा वूटा निकल जाता है भाई अंदर से। दिस इज स्मॉल, टेक हेल्प भाई, मतलब अंडा लेने भी इतना कन्फ्यूजन हो गया तो फिर लाइफ में क्या होगा भाई, लेट्स टेक 2 राइट। और गाइस इस तरफ यहाँ पे सारे पैक्ड फूड भी मिलते हैं भाई, पर ये उतना हेल्दी नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लेजी टू कुक, आप ऐसे कुछ परचेज कर सकते हो, सब कुछ 8-9-10 zloty के आसपास का ही है। गाइस बेस्ट ये होता है कि आप घर में खाना बनाओ, घर में कुक करो, बिकॉज वो फिर थोड़ा हेल्दी भी होता है, और यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट ऑलमोस्ट एवरी डे। तो गाइस अगर आप पोलैंड आ रहे हो और आपको देसी घी चाहिए तो आप ये ले सकते हो मसलो क्लेरोवाना, दिस इज़ लाइक 98% बहुत ही प्योर है भाई, एंड दिस इज द घी वी हैव इन इंडिया। और ये भाई 15 zloty का 100 ग्राम है भाई, थोड़ा एक्सपेंसिव। सो गाइस अभी हम ले रहे हैं योगर्ट, और योगर्ट वगैरह सुबह सुबह खाया करो भाई, सुबह सुबह या कभी भी लंच के साथ हेल्दी होता है। ऑरेंज जूस ये कितने का है, 5 zloty। तो गाइस ये आ गया सारा बीवरेज, कोला वगैरह, पेप्सी,
थम्स अप, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू। बताइए गाइस क्या चाहिए आपको। गाइस यहाँ पे ये बड़ा वाला पेप्सी मिल रहा है 2 लीटर का फॉर 5 ज्लॉटी, तो सस्ता है भाई पेप्सी वगैरह तो सस्ता है, बिकॉज अनहेल्दी होता है ना इसलिए। ये सब गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है गाइस, बच के रहिएगा। मैं जो भाभी जी बहुत चलाक हैं, अब मतलब पूरा ये फुल हो गया ना कार्टन, तो अब उतना आसान नहीं है इसको मूव करना, तो मेरे पे छोड़ दिया गया भाई। मतलब वाह सही है भाई, सही है भाई। वैसे ये सुपर मार्केट काफ़ी ह्यूज है भाई, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट नहीं बोलेंगे, सुपर मार्केट ही बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे खाली ग्रोसरीज मिलता है और ऐसा कुछ नहीं कि आपको कार वगैरह का मिल जाए या फिर कपड़े वगैरह नहीं मिलते यहाँ पे। और इस तरफ सारा भाई घर का आपको सफाई का आइटम मिल जाएगा, इधर सारा केमिकल वगैरह। मेरे को ऐसे डिटर्जेंट लेनी है, ले ही लेते हैं आज। जो इंडिया में चलता है ना सर्फ एक्सल, ये वही है वज़ीर, मतलब इंडिया में सर्फ एक्सल और यूरोप में वज़ीर। तो गाइस अभी हम ढूंढ रहे हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, मिल नहीं रहा है वॉशिंग पाउडर। यहाँ पे आपको एरियल भी मिल जाता है भाई, पर एरियल इज बिट एक्सपेंसिव, 25 लॉटी का है, और वज़ीर इज़ लाइक 27, मतलब वज़ीर 27 का है भाई। मतलब सर्फ एक्सल सबसे महंगा है यहाँ पोलैंड में भी। गाइस जो सर का पैकेट मुझे लेना है वो काफ़ी हैवी है, तो मैं बोला भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे तो सही रहेगा। तो गाइस ये आ गया सारा लिकर और अल्कोहल सेक्शन, राइट? यस, इज ऑल लिकर। हाँ भाई आज नहीं, आज नहीं भाई, आज नहीं। और यहाँ पे भाई सारा विस्की और वाइन, दिस ऑल वाइन राइट? शैंपेन है क्या? शैंपेन? नो, दिस वाइन, स्ट्रॉबेरी। ये मतलब पोलैंड, तो भाई अगर आप अल्कोहल वगैरह सर्व करते हो, मतलब पीते हो, अगर आप दारू का सेवन करते हैं, तो पोलैंड इज हेवन फॉर यू। इस तरफ है सारा वोदका, और मैंने अल्कोहल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वाओ बड़ी कॉल में, अरे भाई मतलब मेरे को बुला के कुछ, मेरे को लगा कुछ ऐसा दिखाया अच्छा इंडियन वगैरह, तो मेरे को बुलाया गया है। मतलब मेरे बाल थोड़े गंदे हो गए हैं भाई, नहाया नहीं बहुत दिन से, तो मैं बोला इसे हुडी लगा देता हूँ, बाल छुप जाए। तो देखो कितना ऑनेस्ट है भाई। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, आई नो लॉट ऑफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है भाई। मतलब इतनी मेहनत करता है, हर दिन काम करता है भाई एकदम घोड़ों की तरह, 9 to 5, फिर आपके लिए वीडियो वगैरह बनाता है, एडिट करता है, अपलोड करता है, काफ़ी टाइम लगता है भाई, तो आप थोड़ा अप्रिशिएट करिए, मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बैग भर गया ऐसे भी, आई थिंक वी शुड बी गोइंग गूगा, यू वांट गूगा? गाइस इस तरफ है सारा भाई नूडल्स वगैरह का, मैक्रोनी का सेक्शन, ऑल पैक्ड फूड, तो ये सब ठीक है, आप यू कैन बाई, उतना महंगा नहीं है, 3-4 ज्लॉटी का है। तो कभी कभी रातों में भूख लगती है ना, तो आप सूप वगैरह पी सकते हो, तो अच्छा होता है भाई, पेट भर जाता है। हाँ यहाँ पे सारा यूक्रेनियन सामान मिलने लगा है भाई, समझ रहे हो? मतलब आजकल मैं इतना बदतमीज़ हो गया हूँ कि मैं कहीं पे भी ऐसे कैमरा उठा के व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ, और मेरे आसपास जो लोग होते हैं यहाँ पे वो थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं बोला भाई मेरा यही काम है, मैं पैदा ही इसके लिए हुआ था व्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस ये है सारा सूप नॉर का, काफ़ी होता है, इस ओनली 1 ज्लॉटी, तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ सोच रहा हूँ, इतना तो उठा ही लेता हूँ भाई, मतलब जितना हाथ में है उतना तो उठाई लो। मैं कुछ ये भी लेता हूँ ना, 2-3। मेरा ट्रॉली पूरा भर गया सूप से, बिकॉज सूप इज हेल्दी, हेल्दी तो नहीं है पर पेट भर जाता ही है। तो भाई हमें लगता है कि हमारी एक वीक की शॉपिंग तो आसपास हो ही गई है भाई, तो अब चलते हैं पेमेंट बिलिंग काउंटर पे और बताते हैं कितना पैसा लगा है, हाउ मच इज एक्सपेंस ऑफ ग्रोसरीज ऑफ 1 वीक इन पोलैंड। चलो भाई स्टार्ट करो स्वाइप करना। ऑलरेडी 97 पूरा भर गया भाई, तो गाइस ये प्लेस पूरा भर गया भाई, जगह ही नहीं है यहाँ पे, और कब से सूट स्कैन हो रहा है भाई, पे करने का टाइम आ गया भाई, गया भाई सारा पैसा। तो गाइस ये तो हो गया भाई, काफ़ी हैवी हो गया है, वो निकलने के लिए यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है। तब जाके गेट खुलता है भाई ये स्कैन करते हुए, आपको दिखाते हैं कि कितने का भाई क्या है ये। ग्रोसरी शॉपिंग डन फॉर 1 वीक, तो आपको दिखाते हैं भाई बिल कि कितने का हुआ है, थोड़ा दुख हो रहा है पर क्या कर सकते हैं चीजें। मैं
गाइस ये रहा हमारा आज का बिल और आप देख सकते हो वी डिड अ परचेज ऑफ 238 zloty 14 groszy जो होता है भाई अराउंड 5000 इंडियन रुपीस। तो इतना तो आप सोच के चलो कि अगर आप पोलैंड आ रहे हो तो इन वन वीक यू स्पेंड अराउंड 200 to 300 zloty ऑन ग्रोसरीज। ये डिपेंड करता है आप कितना बाहर खाते हो। अगर आप बाहर ज़्यादा ईट आउट करोगे तब तो भाई आपकी ग्रोसरीज की शॉपिंग कमी होगी, पर समझ रहे हो ना, अगर आप घर पे कुक करते हो तो इतना ही अराउंड आएगा। तो गाइस कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो यू स्पेंड अराउंड 700 to 800 पोलिस लॉटी ऑन द ग्रोसरीज। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आप क्या खाते हो उसके हिसाब से, ज़्यादा मीट वगैरह खाते हो तो मोर एक्सपेंसिव, एंड इन केस इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ या फिर किड वगैरह तो ये भाई अराउंड 1500 to 2000 पोलिस लॉटी तक भी ये जा सकता है। तो इतना ही था, दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो। आई रियली होप दिस व्लॉग, आई रियली होप कि आपको थोड़ा एंटरटेनिंग या जो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर देना भाई, काफ़ी थकान हो गई है, काफ़ी लंबा दिन था जो ऐसे, मिलते हैं भाई, काफ़ी खर्चा हो गया जो ऐसे।